अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में मैं जा रही हूँ अपनी मामा की तरफ। महताब भी आ रही है और शायान भाई भी आ रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ। और मामा ने बिरयानी वगैरह बनाई हुई है, इट्स फ्राइडे, और मैंने सोचा मैं रास्ते से कोई केक वेक भी ले लूँ उनके लिए। सो अभी मैं थोड़ी देर में निकलूँगी। एंड एज़ यू ऑल कैन हैव अ लुक एट माई आउटफिट, इट्स फ्रॉम BTW। पिछली कलेक्शन जो पिछले साल आई थी उनकी विंटर्स की, ये मैंने उस वक्त लिया था। एंड आई लव दिस काफ्तान स्टाइल शर्ट, दिस इज सो प्रिटी। इसकी नेक पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मोती वगैरह लगे हुए हैं, इट्स रियली नाइस। ये मैंने अपनी मामा के लिए जूसर ब्लेंडर लिया है, उनके बर्थडे का गिफ्ट है। इट्स नॉट अ जूसर ब्लेंडर। हेलो, आप आज भी अपना लैपटॉप साथ लेकर आए हैं? हाँ, मुझे लगा था कि बिजी हो तो काम आ जाएगा, इसको कुछ काम करें। सो यम्मी मामा, मैंने लिया पड़े हैं। जस्ट हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल जेली दैट हैब इज मेड। वाओ, सो प्रिटी, ओह माय गॉड, इट डजंट मैटर। मैं रही हूं भाभी, मानो यार नहीं करो शुमारा, मतलब literally it's just a cat, a baby cat। किधर है मेरा अनवली? वो नीचे है, यहाँ से आज नहीं जा रहे हम, बताया ना मैंने आपको, यहाँ से नीचे से। नूरी इधर आओ, नूरी इधर आओ, ओए हेलो गाइस। तो हम लोग जा रहे हैं अपना नया घर देखने के लिए, थोड़ा सा आगे है यहाँ से। मेरे जो बाबा लोग हैं ना, वो लोग अपना न्यू घर बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग वो देखने जा रहे हैं, और मतलब देखने जा रहे हैं कि उसमें काम कहाँ तक हुआ है और क्या कुछ हो रहा है। इट्स अ वेरी नाइस बिग हाउस। तो मामा लोग, बाबा और शायान भाई पीछे आ रहे हैं, हाँ वो पीछे आ रहे हैं। बाबा और शायान भाई हसाम थोड़ी देर में आ जाएंगे, उनके कुछ काम थे, ही हैड कमिटमेंट, सो ही कुडंट कम विद अस। तो हम लोग बस जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस है। ज़ैनब, आर यू एक्साइटेड अबाउट द न्यू हाउस? यू आर गोइंग टू हैव योर ओन रूम ना? यस। मानो, मानूर, आर यू एक्साइटेड? लाइक हाउ एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। ओके, उसने आपका दुपट्टा सर पे क्यों नहीं है? इसना? ते पाले लग ले आप। ये मामा लोगों का घर बन रहा है जिसकी 3 स्टोरीज हैं, एक कॉर्नर प्लॉट है, तो इस वजह से एक नीचे वाली स्ट्रीट में है जो कि बेसमेंट में आ जाती है, और ये 2 स्टोरीज हैं। और ये उन लोगों का घर बन रहा है, बहुत माशाल्लाह प्यारा बन रहा है। ये वाला सारा लॉन का एरिया है, ये वाला बेडरूम आप लोग देख रहे हैं, गेस ये मेरा होगा, जस्ट किडिंग, आई डोंट नो किसका होगा। फिलहाल घर बनेगा, फिर आइडिया होगा। घर देखने के बाद हम लोग जल्दी घर चले गए थे क्योंकि मेरे हो रहे हैं फाइनल एग्ज़ाम्स, और आज मेरा फाइनल एग्ज़ाम है लास्ट, और मैंने स्विंग का पेपर करना था। मेरी मशीन ख़राब हुई हुई थी, तो आई एम गोइंग टू यूज़ माई मॉम्स मशीन जो कि बहुत 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 पुरानी, ओल्ड स्कूल है। मम्मा से मैंने पूछा कितनी पुरानी, कहती इतनी पुरानी नहीं है बेटा, सिर्फ 14 साल पुरानी है। मैंने कहा ठीक हो गया मम्मा, सिर्फ 14 साल पुरानी है। इस मशीन पर काम करने के बाद तो मेरी कमर में दर्द शुरू हो गई थी यार, लेकिन बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरा ख़त्म हुआ। मैं आज मामा के लिए फूड फैक्ट्री लेकर आई हूँ उनके बर्थडे का गिफ्ट देने के लिए उनको, तो उन्होंने उसी टाइम पे माल्टे का जूस हमें निकाल के दिया है। फिर शायान भाई से ये मशीन सेट करते हैं, कितनी दफा जितनी दफा बोलती हूँ आपको वही याद आती है। अभी वो चढ़ी हुई ना सर पर। हाँ सही बात है, उनको अपने उस फूड फैक्ट्री की इतनी खुशी है, उनको सब कुछ भूला हुआ है। बहुत यार, मैं इतना दिनों से लेना चाह रही थी, लेकिन वो बस देखिए हर बर्थडे पे आपकी मुझे पता चल जाता है आपको क्या चीज़ चाहिए। कुछ दिन पहले ही ना मैं कान लगा लेती हूँ ना कि शायद कुछ बोल दें तो मुझे चाहिए ताकि वो चीज़ मिले। मशीन लेके दी है, वॉशिंग मशीन ना, हालांकि मेरी वो दूसरी मशीन बड़ी नहीं बिल्कुल, लेकिन ये कहती है वो फजूल है। थैंक यू। सो गाइज, हम लोग आ गए घर, और आप लोगों को पता है कि वीकेंड्स में मैं अक्सर अपनी मामा की तरफ जाती हूँ,
बहुत कम ऐसा होता है कि मैं वहाँ रात करती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर वीकेंड पे उनसे ज़रूर 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 मिलूँ, हफ्ते में दो दफ़ा उनसे ज़रूर मिलूँ, ताकि मुझे आइडिया हो कि वो क्या कर रही हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गर्ल्स एज वेल टू कीप अ चेक ऑन देयर पेरेंट्स इफ़ दे नीड एनीथिंग, उनको इमोशनली फाइनेंशियली या किसी भी तरह से आपकी कोई सपोर्ट चाहिए तो यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट. तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वीक में दो दफ़ा ज़रूर उनके घर जाऊँ. और अब तो मेहताब और शायान भाई भी हमारे साथ आते हैं, तो वो एक डिफरेंट और एक बहुत अलग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है. हज़ाम की और शायान भाई की इतनी बनती है, वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, हम सारी बहनें अपना लगे होते हैं, मामा पापा हम लोगों को देख के खुश हो रहे होते हैं. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्वियसली बेटियों ने तो घर छोड़ना ही होता है, लेकिन इन केस अगर बेटे भी नहीं रहते अपने पेरेंट्स के पास, तो ज़रूर ऐसा करना चाहिए कि आप जाएं और मिलें अपने पेरेंट्स से और मैक्सिमम उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, बिकॉज दिस टाइम विल फ्लाई अवे वेरी फास्ट एंड वन डे यू वुड बी सेइंग कि यार मेरी मामा ये करती थी, बाबा ये करते थे. एंड यू नो टाइम बहुत जल्दी चेंज हो जाता है. आई हैव सीन पीपल जो कि अपने पेरेंट्स के बारे में पास्ट टेंस में बात करते हैं, सो इट एक्चुअली हर्ट्स अ बिट एज वेल, बट नथिंग इज़ इन आवर कंट्रोल. हमारे कंट्रोल में जो चीज़ है वो ये टाइम है, एंड वी शुड यू नो कीप अ बैलेंस इन एवरी रिलेशनशिप. अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को मैक्सिमम टाइम दें, इन द मेन टाइम अपने पेरेंट्स को भी निगलेक्ट ना करें, अपने सिबलिंग्स को भी निगलेक्ट ना करें, यही रिलेशन होते हैं आपके. और ट्राई टू कीप अ बैलेंस. सो इमोशनल बातें तो बहुत हो गई ना यहाँ पे. अब मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि पेरीडॉट पे सेल लगी हुई है 30-20% ऑफ, और उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया है. काफ़ी सारे आउटफिट सेल हो गए. इफ़ यू गाइस स्टिल वांट टू गो एंड प्लेस योर ऑर्डर्स, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इस नंबर पे अपने ऑर्डर्स प्लेस करें या डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक होगा, आप लोग इंस्टाग्राम पे भी जाके अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं. कल सुबह गानिया की बहन की शादी और आप लोग देख सकते हैं मेरे आउटफिट्स वहाँ पे लटके हुए हैं. वो महताब का आउटफिट है जो कि हमने लिया था रात से, मुझे पसंद आ गया. मैंने सोचा कि यार मैं जा ही रही हूँ शादी पे, तो मैं उससे बोरो कर लेती हूँ. बहनों का ये बहुत 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 बड़ा फ़ायदा होता है कि यार बहनें जो है ना वो कपड़े शेयर करती हैं. मैं, महताब, महनूर और जैनब, हम तीनों का ऑलमोस्ट सेम साइज़ है. महनूर का लेंथ में थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि वो मेरी और महताब की 5'4" हाइट है, तो महनूर की 5'7" है, तो वो हमसे लंबी है ऑब्वियसली, तो उसको लेंथ में प्रॉब्लम होता है. अदरवाइज़ फिटिंग में हम चारों का सेम साइज़ हो गया. जैनब अलग है, मेरे से बहुत छोटी है, मैं 24 ईयर्स की हूँ और जैनब 12 ईयर्स की है, तो आप खुद सोचें कि हम में कितना डिफरेंस है. लेकिन माशाल्लाह उसकी हेल्थ वाइज और हाइट वाइज वो अच्छी निकल रही है, तो उसको हमारा साइज़ आ जाता है पूरा. तो हम लोग अक्सर अपने कपड़े शेयर कर रहे थे, तो वो महताब का आउटफिट लटका हुआ है जो कल इंशाल्लाह मैं गानिया की बहन की शादी में पहन के जाऊँगी. आई एम गोइंग टू व्लॉग द एक्सपीरियंस. आप लोग तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, पेरी डॉट पर जाके सेल में अपने ऑर्डर्स प्लेस करें. आई विल सी यू ऑल टुमारो विद अ न्यू वीडियो. तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.